अजय आलोक जी, जैक डॉर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। अंजना जी, वही बात है ना, मैंने क्या बोला कि वो जैक हैं, अभी बहुतों के जैक बन गए हैं, तो उस जैक का इस्तेमाल हो रहा है कन्वीनियंटली। आज से चार दिन पहले जब कर्बी का बयान आया था अमेरिकन स्पोक्स पर्सन का राहुल गांधी की किलिंग और डेमोक्रेसी के बारे में, तो उस वक्त कहा था मैडम ने कि किसी ने एंडोर्स कर दिया तो उसको सेलिब्रेट मत कीजिए, और आज तो बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इसी में कहता हूं कि वो जैक हैं इनके, हर वो चीज जिससे भारत को कटघरे में डाला जाए, भारत की सरकार को कटघरे में डाला जाए, वो जैक बन जाता है कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों होता है जरा जवाब देंगी? अगर खालिस्तानी आंदोलन, अगर खालिस्तानी अकाउंट और खालिस्तान का प्रोपेगेंडा हो रहा हो और उस ट्विटर अकाउंट को भारत सरकार ने बंद करने के लिए कहा, ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया, तो क्या ट्विटर को इस देश में काम करने की इजाजत होनी चाहिए? जरा जिम्मेदार विपक्ष की तरह बताइए तो, अगर आप सरकार में होती तो क्या करती? क्या आपको इस देश की मीडिया पर भरोसा है या नहीं? आपको तो खुलेआम कहना चाहिए था कि हमारे देश की मीडिया ने एक एक दिन, एक एक घंटे, मिनट का मिनट लगातार वो भी वहां खड़ा करके किसान आंदोलन के एक एक पहलू को दिखाया, एक एक चीज को उजागर किया, और वापस क्यों लेना पड़ा काला कानून? प्रधानमंत्री को लगता है सुनती कम है आप लोग, जब सुन लेती कि पीएम ने आके क्या कहा कि हम कुछ किसानों को लगता है हम समझा नहीं पाए, कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस ले रहे। जिस दिन समझाएंगे उन्हीं के हित का कानून है। और तीसरी बात, हमेशा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई तब भी आपने जंप किया उस पर, और उस पर भी आपने कहा कि यहां पे डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, बीबीसी इतनी पुरानी है क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, उसको क्यों बैन किया गया डॉक्यूमेंट्री को? आज वही काम ट्विटर के साथ। एक बार ये नहीं कहा गया कि इसी जैक डॉर्सी को यूएस ने भी बैन किया था? सिर्फ टर्की और नाइजीरिया और इंडिया की बात नहीं है, जहां अमेरिकन कंपनी है वहां की अमेरिकन सरकार ने भी इसे बैन किया था और इसको वार्निंग दी थी, इसे फाइन वसूला था, बैन नहीं किया था सॉरी, वार्निंग दी थी और फाइन वसूला था। जैक डॉर्सी के रेजिम में ये सबसे रोग पीरियड था ट्विटर का, जहां पे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं समझा जाता था किसी भी देश का। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है मैडम, क्या अगर आप भारत सरकार में रहती तो ट्विटर के ऐसे कमेंट्स को, और वो कौन कब बोल रहे हैं ये, जब ये बोर्ड से भी हट गए, एक साल से क्या इनको मुंह में लकवा मारा हुआ था? आपने बनाया जैक इन्हें, जरा देश को यह भी बता दीजिए। अनर्गल आरोप, इस देश में डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। कर्नाटक जीत गया तो वहां डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, हिमाचल जीत गया तो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया है। एक घर का मतलब होता है डेमोक्रेसी। इस देश की जनता से जाके पूछिए डेमोक्रेसी है कि नहीं। सुबह से लेकर रात तक गाली देती रहती है प्रधानमंत्री को, कहती है कि आवाज दबाई जा रही है, और किसकी आवाज दबाई जा रही है? एक आगे कह के जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया होता तो टीवी पे बैठ के बोलने की हिम्मत होती? सुप्रिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है कि देश को शर्मिंदा कर रहा है अंजना जी, देश कैसे शर्मिंदा हो रहा है जैक डॉर्सी के इस बयान से? मैं आपको बताती हूं कैसे शर्मिंदा हो रहा है। यहां पर एक बोलते बोलते बात बोल गए। एक तो मैं किसी से डरती नहीं हूं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने चार सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे यहां धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या, अगर रोज आके बोल देती क्या कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो डर के दबाव के बोलिए। अगर बीच में बोलिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। प्लीज अजय जी, प्लीज आप दोनों से मेरे रिक्वेस्ट करें, बोलने देंगे आप? अजय जी प्लीज, अजय को माफी मांगनी चाहिए, बोलिए माफी मांगने, अजय सुबह से ड्रामा कर रही है। अजय जी उनको बोलने दीजिए, अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी, मैं इनको इस लायक ही नहीं समझती हूँ कि इनको इनका जवाब दूं, लेकिन इन्होंने बात खालिस्तानी प्रोपोगंडा पर बोली, बड़ी बात बोल गए। खालिस्तानी प्रोपोगंडा तो तब हो रहा था जब कनाडा में एक झांकी पर इस देश की प्रधानमंत्री की शहादत को विभत्स तरीके से दिखाया जा रहा था, लेकिन इस देश की मोदी सरकार ने अभी तक ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर, एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, एएनआई को एक बाइट देकर हाँ हमें गलत लगता है। क्यों नहीं कराई आपने? ये बीजेपी कांग्रेस का मामला है या ये खालिस्तान देश विरोधी ताकतें और उसके खिलाफ होना चाहिए काम? बताइए मुझे, खालिस्तानी प्रोपोगंडा की असलियत सुनना चाहती हैं आप? राहुल गांधी जी की सभा हो रही थी, कुछ लोगों ने आके प्रो खालिस्तानी नारे लगाए, ये अलग बात है, उन्होंने भारत जोड़ो कहा, उन्होंने ये भी कहा मोदी आएंगे तो हम फिर नारे लगाएंगे। इस सरकार ने और इस पार्टी ने क्या किया? राहुल गांधी के इतने अंधे हैं राहुल गांधी की नफरत में कि ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए। अगर कोई जिम्मेदार सरकार होती तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के कार्यवाही की मांग करती
कि कैसे एंटी इंडिया स्लोगन्स इतने सार्वजनिक रूप से लग रहे हैं। आगे की बात सुनिए, इन्होंने कहा भारत को कटघरे में जैक डॉर्सी ने नहीं, सरकार ने खड़ा कर दिया है। 750 किसानों की शहादत हुई थी, आप चुप बैठे रहे। और मैं अब एक आपको डेटा बताती हूं, मैं जैक डॉर्सी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं और पुरजोर तरीके से यहां पर बात करने आती हूं। राहुल गांधी का 2021 अगस्त में अकाउंट ब्लॉक होता है ट्विटर के द्वारा, 6 महीने तक फरवरी 2022 तक उनका एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। बाद में जब WSJ रिपोर्ट करने जाता है एकदम से वो शैडो बैन हट जाता है। मैं क्यों ना मानूं सरकार ने दबाव में कराया था, मैं क्यों ना मानूं। और असलियत यह है कि ये मूकी खा रहे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और यहां ये बात थोड़े से दंभ के साथ जरूर बोलना चाहती हूं, हमारी एवरेज इंप्रेशन 45 लाख है प्रति ट्वीट, इनके एवरेज इंप्रेशन 5 लाख है। प्रधानमंत्री मोदी के कई गुना आपने दिखाए सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एंगेजमेंट रेट, इंप्रेशन, आरटीज, क्यूटीज और लाइक्स तिगुना है राहुल गांधी की मोदी जी के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो आईना दिखा रहा है उसको देखना चाहिए। आईना तो ये दिखाया जा रहा है आपको, एक मिनट अंजना जी, आईना तो ये दिखाया जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन जब देते हैं बयान, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है अमेरिका के, कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो बड़ा बुरा लग जाता है, सही बात है। और जब जॉन कर्बी, जो उनसे कई रैंक जूनियर है, बयान देते हैं तो वाजिबा लप्पो झप्पो हो जाता है। अब जैक डॉर्सी अमेरिकन हो गया, ये किस तरह के लोग हैं? एक स्टैंड लीजिए, या तो सबकी बातों को सरोकार करेंगे या किसी की भी बात नहीं मानेंगे। आप तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं, ग्रेटा थनबर्ग से डरते हैं, सुनिए जवाब, आप किससे नहीं डरते हैं? आप इस देश के किसानों से डरते हैं जिन्होंने आपको घुटने टिकवा दिए। ये असलियत है।